जिसे हम देवी देवता बोलते हैं, जिन्हें हम ईश्वर बोलते हैं, उन्हें अन्याय और अत्याचार ये दिखाई देना चाहिए, उन्हें न्याय के हक की बात करनी चाहिए, जो अन्याय करे उसे दंड देना चाहिए और न्याय की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। यही तो हम मानते हैं कि ईश्वर सब कुछ अच्छा करता है। लेकिन ये करोड़ों 33 करोड़ की संख्या में जो देवी देवता हैं, गौरी, गणपति इत्यादि न जाने कितने नाम हैं, ये सारे के सारे एक साल नहीं, दो साल नहीं, 10 साल नहीं, हजारों साल तक ये अन्याय अत्याचार होता रहा और उसे ये देखते रहे। अगर देश की आबादी करें तो 1930 में भारत की आबादी लगभग 30 करोड़ थी, 33 करोड़ के लगभग थी, तो एक देवता के हिस्से में एक ही व्यक्ति आता था। एक देवता जो ईश्वर का रूप है, जो ईश्वर ही है, कम से कम एक व्यक्ति के दुख दर्द तो ठीक कर सकता था। लेकिन सारे के सारे देवता यूं ही चुपचाप बैठे रहे आंखों पर पट्टी बांधकर। इसी में इतना अन्याय, इतना अत्याचार होता रहा, उसके विषय में कभी एक बात नहीं कही। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ईश्वर नहीं है, ये केवल ब्राह्मण का, ब्राह्मणवाद का खड़ा किया ढकोसला है। ईश्वर का नाम लेकर लोगों पर अन्याय और अत्याचार सदैव करते रहने का एक षड्यंत्र है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि गौरी, गणपति इनमें से किसी भी देवी देवता को कभी नहीं मानेंगे, नहीं इनकी पूजा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।